हेलो एवरीवन, नमस्ते खुलुम भाई, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह का टाइम है तो सभी को गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो नया साल सभी को मुबारक एंड नया साल सभी के लिए लकी लकी हो, सब लोग के लिए गुड लक हो, यही मेरी भगवान जी से दुआ है। एंड फ्रेंड्स, मैं आज कहीं पर जा रही हूँ। तो कहाँ जा रही हूँ? तो मैं जा रही हूँ आज फ्रेंड्स भूटान। तो फ्रेंड्स मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ भूटान देखने के लिए। रेडी हो आओ। रेडी ना होने से भी रेडी हो जाओ, क्योंकि मेरे साथ आप लोग को भी जाना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरे वीडियो में आप लोग हमेशा जुड़े रहते हो, तो वैसे ही आज भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलते हैं, तो मिलते हैं भूटान गेट पे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच गए हैं भूटान गेट। एंड थोड़ी देर में एकदम नज़दीक पहुंचने वाले हैं गेट पे। एंड तो हम लोग भूटान गेट पार होके हम लोग क्या देखने जाएंगे, मतलब सभी लोग एक ब्रिज देखने आते हैं भूटान पे, तो वही देखने के लिए आए हम लोग भी। तो मैंने कभी नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम देखूंगी भूटान, वो जो ब्रिज है वो। एंड आप लोग भी देखेंगे ना मेरे साथ। एंड ये देखो भूटान गेट, एंड यहाँ पे है लाइन, इतनी लंबी लाइन। अभी तो हम लोग लास्ट और शायद और आएगा, क्योंकि अभी कितने सुबह जल्दी आने से जल्दी एंट्री का, मतलब जल्दी एंट्री हो जाता है, क्योंकि टाइम लेट आने से ऐसे ही लंबी सी लाइन रहना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है। तो हम लोग भी रहे थोड़ी देर, उसके बाद हम लोग लाइन पे वेट कर रहे हैं कब एंट्री मिलेगा। तो यहाँ पर आने से फ्रेंड्स हम लोगों को देना पड़ता है वोटर कार्ड एंड मतलब आईडी प्रूफ देना पड़ता है। एंड उसके बाद तो आपके पास पासपोर्ट है तो आसानी से घुस सकते हो, आराम से घूम सकते हो। तो हम लोग को देना पड़, मेरे पास तो पासपोर्ट भी था लेकिन मैंने दिया वोटर कार्ड। तो वोटर कार्ड से आप लोग आराम से घूम सकते हो भूटान, तो आप लोग भी आ सकते हो घूमने। तो हम लोग का वोटर कार्ड हम लोग का उन लोग रख लेता है, और उन लोगों का एक कार्ड देता है हम लोगों को, आई कार्ड ऐसा, जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर भी होता है, अपना सीरियल नंबर, ऐसा कार्ड देता है हमें। तो वही कार्ड से हम घूम सकते हैं भूटान पूरा। तो और एक दिन घूम के वापस जाने से तो फीस नहीं लेता है, लेकिन ठहरने से शायद 1200 लेता है। यस हाँ, एक जन में 1200 लेता है एक दिन ठहरने से। तो पहले भी आ चुकी हूँ लेकिन ब्रिज नहीं देखा था, तो आज देखने के लिए आए हैं फैमिली एक साथ फ्रेंड्स लोग। वैसे तो भूटान गेट देख चुकी थी मैं, आ चुकी हूँ गेट तक, तो वो जो घूमने वाला देखने वाला ब्रिज है वो नहीं देखा, तो वही देखने के लिए आए हैं हम लोग। तो देखते रहिए, थोड़ी देर में ही मिलने वाला है।
तो फ्रेंड्स फाइनली हम वो ब्रिज में पहुंच चुके हैं। तो हम लोग ब्रिज में से ही जा रहे हैं एंड घूम के, मतलब ब्रिज पार होके नहीं जा सकते, तो हम लोग घूम के फिर से आ गए। आने के बाद अभी गाड़ी को रखेंगे हम ब्रिज के सामने ही पार्किंग में, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सामने से ये ब्रिज। बहुत सुंदर है, देख सकते हो आप लोग कितनी सुंदर नदी, पत्थर, पेड़, ग्रीन ग्रीन हरी पौधे, पौधे आया। तो उतर चुकी हूँ, देख सकते हो आप लोग इतनी अच्छी तरह से, कैसे दिखाऊँ आप लोगों को, बहुत सुंदर है। ग्रीन ग्रीन देख सकते हो, पहाड़ के सामने ब्रिज के सामने नदी के सामने पत्थर और नदी एक साथ, देख सकते हो आप लोग इतना सुंदर। मैं तो आप लोगों को मोबाइल से दिखा रही हूँ, लेकिन सामने बहुत सुंदर है, अच्छा लगता है मन को ऐसे पानी नदी देख के, पहाड़ के पेड़, ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ, बहुत सुंदर दिखता है, देख सकते हो। कि यही ब्रिज देखने के लिए आते, देखो सब लोग, अच्छा लगा मुझे भी। आप लोग देखो इतना साफ पानी, बहुत ठंडा भी है और ग्रीन ग्रीन भी देख रहा है, देखो पानी बहुत साफ है, क्लीन है बहुत। पेड़ के सामने पेड़ भी ग्रीन और नदी भी ग्रीन, इतनी साफ पानी, अच्छा लगा बहुत। देखो पहाड़, आप लोगों को नदी जो बह रहा है उसका आवाज़ सुनाई दे रहा है, इतना जोर जोर से शा कर रहा है, सोच सकते हो आप लोग। ऐसे देखने से तो नहीं पता चलता है कितना स्पीड है, लेकिन थोड़ा स्पीड तो है, आवाज़ सुनाई दे रहा है, इतना शा कर रहा है पूरा जोर से। तो हम लोग वो हिंगिंग ब्रिज से आ गए और रास्ते में छोटा सा और छोटू सा ब्रिज है, पत्थर है, नदी नहीं है, सिर्फ पत्थर। तो वही थोड़ा सा देख रही हूँ, देख रहे हैं हम लोग, उसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे वापस। तो फ्रेंड्स, तो यही था फ्रेंड्स भूटान का ब्रिज जो आप लोग ने देखा, वही था। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही ब्रिज है, सब लोग वही देखने के लिए आते हैं, अच्छा है, मतलब नदी है ना, तो इसलिए पहाड़ नदी है, इसलिए बहुत सुंदर दिखता है, तो वही देखने आते हैं।
मुझे लगता है मतलब है वही सुंदर दिखता है ना, तो वही। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जब हम लोग भूटान से वापस आसाम जाएंगे तो हम लोग का वोटर कार्ड हम लोग को वापस देंगे, एक्सचेंज करेंगे फिर से उन लोगों का कार्ड से। तो एक्सचेंज करने के बाद हम लोग बाहर आ चुके हैं हमारे आसाम में। तो यहाँ पे हम लोग ने भूटान का ऑरेंज खरीद लिया थोड़ा सा। तो उन लोग का ऑरेंज थोड़ा मीठा होता है तो अच्छा होता है, तो थोड़ा सा खरीद लिया, भूख भी लग रहा है। तो हम लोग वापस जाएंगे, उसके बाद पेट पूजा भी करना बाकी है। तो पहले हम मतलब भूटान, बाय बाय भूटान। एंड हम लोग थोड़ा आगे जाके पेट पूजा करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को भूटान का ब्रिज और मेरे वीडियो, थोड़ा सा बता दीजिएगा। एंड ये नदी आप देख सकते हो, ये नदी का नाम क्या है मैं भूल गई, लेकिन ये रास्ते में पूरा वो जो रास्ता है ना, रास्ते के ऊपर से ये नदी बहता है। मतलब रास्ते के ऊपर से जब ये बड़ा होता है नदी, तो ऊपर से बह बह बहते ही जाता है, बहता है। तो वो जो रास्ता दिख रहा है ना, वो रास्ते के ऊपर से ही ये नदी जाता है। तो ये है, तो इवनिंग हो गया अभी, तो हम लोग जा रहे हैं अभी पैर पूजा करेंगे थोड़ी देर में। तो देखते रहिए और थोड़ा मिल गया, और अभी हम लोग करने वाला है पैर पूजा। तो रोटी खाएंगे, राइस नहीं खाऊंगी, होटल का राइस मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये है मटन रोटी और फोर खाया, आलू भाजी और है क्या क्या था, हाँ क्या ये था, एक खा लिया सब क्या मिलते रोटी के साथ। तो पेट पूजा कर रहे हैं, टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, अभी खाना पेट पूजा हो गया, अभी हम रात भी हो गया 6 बज गए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। एंड कमेंट्स में थोड़ा सा कुछ कमेंट्स दीजिएगा कैसा लगा। तो आज के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, एंड लव यू ऑल।